झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा। परिमल नाथवानी और प्रेमचंद गुमता के कार्यकाल पूरा होने से दो सीटें खाली हुई है। इन दो सीटों को लेकर अब आंकड़ों का खेल भी शुरू हो गया है। राज्य के सत्ताधारी गठबंधन ने दावा किया है कि आंकड़े गठबंधन के पक्ष में हैं और दोनों सीट पर जीत तय है। वहीं गुरुवार को कांग्रेस उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। दो सीटों समेत राज्यसभा की 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव होना है। इस बीच दूसरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रणनीति बनाई। कांग्रेस उम्मीदवार का दावा है कि दोनों सीट पर गठबंधन उम्मीदवार की ही जीत होगी। बहुत सारी चीजों को इस चुनाव में पहले डिस्क्लोज करना उचित नहीं होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक दिशा में हम लोग आगे जा रहे हैं और निश्चित तौर पर रिजल्ट जो है हम लोगों के पक्ष में आएगा। आंकड़ों की बात करें तो जेएमएम के पास 29 विधायक, बंधु तिर्की प्रदीप यादव को मिलाकर कांग्रेस के पास 17 और आरजेडी के पास एक विधायक। अभी के हालात में एक सीट जीतने के लिए 27 विधायकों के वोट की जरूरत है, जिसके बाद गठबंधन के पास अपने 21 विधायक बचते हैं। कांग्रेस का दावा है कि कोरोना संकट में सरकार का कामकाज इस चुनाव में भी असर दिखाएगा। इस पर जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है, जिस तरह से प्लेन से, ट्रेन से प्रवासी मजदूरों को हिंदुस्तान में पहली सरकार है जिसने सीधा बुलाने का काम किया, और उससे कहीं ना कहीं विधायक लोग भी बहुत प्रभावित हैं। वो जानते हैं कि अगर इस सरकार ने जो उम्मीदवार खड़ा किया है, जो गठबंधन के लोग हैं, ये उम्मीदवार जो खड़ा किए हैं, अगर उनके गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे अंतरात्मा की आवाज़ पे, या कहिए कि प्रवासी मजदूरों को केंद्र बिंदु में रख करके, तो अगला चुनाव उनके लिए काफी मुश्किल होगा। पिछले कई राज्यसभा चुनाव का परिणाम बता रहा है कि जो आंकड़े दिखते हैं परिणाम उनके अनुरूप नहीं आते। यही सबसे बड़ी वजह है कि हर चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला होता है। ये भी एक कारण है कि झारखंड में गठबंधन ये दावा कर रहा है कि दोनों सीट पर जीत तय है। कैमरामैन अभय के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 भारत, रांची।